चले। नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दो दिन से हम कंप्लीट कर रहे थे आम का टॉपिक, उसमें एक इंसेक्ट वाले टॉपिक बच गए हैं जो एक ही बार अपन करेंगे क्रॉप के साथ। आज हम शुरू करेंगे केला, क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा अपने स्लाइड बनने में। तो जिस तरह से सारे डिसऑर्डर को हमने पढ़ाया ना, उसी तरह से आपको क्या क्या कंप्लीट किए थे, जैसे फ्रूट के डिसऑर्डर पढ़ लिए, डिजीज पढ़ लिए थे, सेम इसी तरह से अपने कंप्लीट करेंगे पेस्ट, फ्रूट पेस्ट। तो इसको एक ही बार पढ़ा दूंगा, यहाँ पे केवल आप नाम देख लेना। और नाम चार पांच कल मैंने बता दिया था, मिली बग होते हैं, फ्रूट फ्लाई होते हैं, स्टोन वीबिल होता है, और मोस्ट डेंजर पेस्ट अपने कौन हॉपर बताया था, कौन बताया था, मिली बग में ना पेड़ पे क्या करते हैं, पोलोथीन लगा देते हैं, जिसको बेंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेंडिंग। तो ये तीन चार पॉइंट ही अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना है। सबसे घातक कीट कौन है आम का बताओ? हॉपर। कौन है? हॉपर। किसके लिए बेंडिंग अपनाते हैं कि जैसे मैं तना हूं तो मेरे ऊपर ऊपर कीट चढ़े नहीं, तो पोलोथीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पोलोथीन। तो ये मिली बग के लिए करते हैं। क्वारंटीन के लिए कौन सा कीट है? संगरोधक के लिए मैंने बताया था स्टोन वीबिल। कौन सा है? स्टोन वीबिल। तो ये इंपॉर्टेंट है। चले, तो आज की कहानी अब इंपॉर्टेंट हम शुरू करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महेंद्र जी, फिटनेस शुरू कर दें। नरेंद्र भैया स्टार्ट कर दें। क्या है? केला। बताओ, जनरल टॉपिक अपने सेम चलेंगे, 15-20 मिनट वही कहानी। बॉटनिकल नेम इसका क्या होगा? मूसा पेरेडेसिका। क्या होगा? और इसका फैमिली क्या होगा? मूसेसी। अच्छा, ये जो केला देख रहा है, इसका ऊपर ऊपर का दो चार पॉइंट, अगर केला को देख करके तुम्हें कुछ बताना रहे तो क्या बोल सकते हो भाई? पांच लाइन बताओ केला को देख करके। बॉटनिकल नेम नहीं बताना है, ये नहीं कि किसी को पढ़ाना है तो इसका बोटनिकल नेम मूसा पेराडेसिका होता है, फैमिली मूसेसी होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 33 होते हैं, डिप्लोइड होगा तो 22 होते हैं, ऐसा नहीं बोलना। चलो, तो अपन पूरी कहानी समझते हैं। फैमिली क्या होगा? मूसा पेराडेसिका। ये मूसेसी और ये गुच्छे में लगते हैं, तो इसका फल प्रकार क्या होगा? बेरी। पीला रंग किसके कारण आएगा? केरिका जेंथिन के कारण। किसके कारण है? केरिका जेंथिन। अच्छा, इसमें ये जो केला दिख रहा है, ये केला, इसको हम क्या बोलेंगे? फिंगर। क्या बोलोगे? और केला में ये जो आ रहे हैं ऊपर वाले भाग, इसको बोलते हैं एंगुलारिटी। क्या बोलोगे? और ये जो दिख रहा है इसको हम बंच बोलेंगे, पूरी केला ये जो है इसको गुच्छा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये सब पॉइंट हमें जरूरत पड़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या है बताओ? एक फिंगर है। कैसे लिखूं? ब्लैक में लिख दूं? ये क्या है? एक FINGER फिंगर, और ये वाले होते हैं एंगुलारिटी। अब शुरू करते हैं हम कहानी को एक एक पॉइंट की ओर। इसे खुद से भी पढ़ लेना, मूसा पेराडेसिका। ये इंग्लिश वाले परेशान करते हैं, सर हम लोग को लिखो। चले, एक दो पॉइंट लिख देता हूं, उसके बाद ये मूसेसी आप लिख लेना। उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें, ये छोटा सा पॉइंट है, तो ये कहां है? इंडिया। और किसका किसका है? पेल का।
उसके बाद एसिड लाइम, 5-6 मिनट तो आपका ये बेसिक पॉइंट बनते हैं, उसके बाद फालसा, उसके बाद इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन को क्या बोलोगे, इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जामुन। इन सबकी उत्पत्ति कहाँ है, भारत। अगर और पूछा जाता सब्जियों में तो बैंगन की उत्पत्ति कहाँ है, भारत। मैंने बोला था जो खाने उने में जिनको टेस्ट नहीं आते हैं, बेल को कौन खाते हैं बताओ, कागजी नींबू कुछ है, फालसा कोई खाते हैं, जामुन भी कम यूज होते हैं। लसुआ भारत की उत्पत्ति है, कहाँ है, लसुआ। करौंदा की बात करूं तो कहाँ है, भारत की। तो ये सब जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, कटहल की बात करूं तो कहाँ है, इंडिया की बात। बैगन कोई नहीं खाते हैं, करेला कोई नहीं खाते हैं, इन सब की उत्पत्ति कहाँ है, भारत है। ठीक है, ककड़ी की बात करूं, फूट की बात करूं, इन सबको कोई लेना देना है नहीं सब्जियों से, तो वो सब सब कहाँ है, इंडिया में। अच्छे अच्छे जो सब्जी थे, अच्छे अच्छे जो फल है, जैसे अंगूर देखने में मजा आते हैं, केला की बात करूं, ये सब आए हैं बाहर से, बाहर वालों ने, लोगों ने दिखाया ये अंगूर है खाओगे, तो हम भिखारियों जैसे मांग मांग के उसको खाए हैं, बाद में चर्चा करूंगा। अब हम बात करें क्रोमोजोम नंबर के, किसकी बात करते हैं, क्रोमोजोम नंबर। तो ये कितना है बताओ, इसकी चर्चा आप कर लेते हैं। मैंने कल भी आपसे चर्चा किया था कि क्रोमोजोम संख्या अगर आपसे बोला जाए, लिख देता हूं छोड़, क्रोमोजोम क्या है, 2n बराबर 3x इक्वल टू कितना है, 33। तो x का मान कितना होगा दोस्त, x का मान होगा 11। जो केला डिप्लॉइड होते हैं कैसा होगा बताओ, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब क्या बोलोगे, द्वि गुणित होते हैं, जो डिप्लॉइड होंगे उसमें क्रोमोजोम की संख्या 2n बराबर क्या बनेगा, 2x। ये n केवल पेरेंट्स को बताता है कि भाई कितने जनक हैं, दो, तो इसमें क्रोमोजोम कितना होगा, 2 × 11, आंसर कितना बनेगा, 22। इसका वैरायटी पूछ लेगा तो वो कौन है, लेडी फिंगर। कौन सी वैरायटी है जो डिप्लॉइड है बताओ, लेडी फिंगर, ये इंपॉर्टेंट। और जो खाने योग्य होते हैं ना, जो केला को हम खाते हैं, खाने योग्य जो केला होता है वो तो होते हैं ट्रिप्लॉइड। एडेबल बनाना कैसा होता है बताओ, ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, और ये बनाया गया है किस के द्वारा, तो ये बनते हैं वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी से डेवलप होते हैं, किससे होते हैं, वेजिटेटिव, जिसको बोलते हैं वनस्पतिक अनिषेक फलन, पढ़ा चुका हूं जनरल में, वनस्पतिक अनिषेक फलन, इसके द्वारा डेवलप किया गया है क्या, केला को। और जो डिप्लॉइड वेराइटी होते हैं ये वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं, यानी ये कहां पाया जाता है, जंगल में पाए जाते हैं, बंदर इसको आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, किसको, डिप्लॉइड को। तो ये छोटा सा कहानी, क्रोमोजोम की संख्या से आपको आना चाहिए, गुणसूत्र की संख्या कितना होते हैं, तो 33। अभी इसको सीडलेस बनाने के लिए केला को क्या बनाना है बताओ, सीडलेस, बीज रहित बनाने के लिए, बीज रहित बनाने के लिए किसी केमिकल का उपयोग करते हैं, तो वो रसायन मैंने बताया था क्या है, 2,4-D, किसका उपयोग करते हैं, ये सब लिखते जाना, किसका उपयोग करेंगे, 2,4-D का उपयोग करते हैं, किसके लिए, केला को क्या बनाना है, सीडलेस, क्या बनाना है, सीडलेस। आप खुद नोट्स बनाओगे तभी काम चलेगा, ऐसे इंतजार में मत रह के पीडीएफ भेज देंगे सर, ये अब भेजूंगा मैंने कहीं नहीं, लग रहा है ना ऐसे कि बस सेवाओं में ही मैं लगा हूं पीडीएफ। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताओ, पुष्पक्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस। तो इनफ्लोरोसेंस पुष्पक्रम बताया हूं, फूलों का क्रम, तो केला में फूलों का क्रम ऐसा देखा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम। और मैंने बताया था जैसे जैसे ये हटते जाएंगे ना, इसके ऊपर एक चादर लगे रहते हैं, शुरू में देखोगे तो क्या लगा रहेगा, चादर। तो मैंने याद कराया था स्पैडिक्स किसका होगा, जिसके ऊपर क्या दिखेगा आपको, चादर, यानी कवर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखे, ऐसा कि यार घिरा हुआ है, जैसे भुट्टा, मक्का देखे हो, मक्का के भी ऊपर ये मान लिया जाए मक्का है, इसके ऊपर भी ये क्या लगा हुआ है, चादर लगा हुआ है। तो कहां कहां चादर दिखेगा आपको, मेज में क्या दिखेगा बताओ, चादर। ये एक याद करने का तरीका है, कोकोनट में आपको दिखेगा चादर ऐसा, केला में, केला को भी ऐसे ऐसे हटाते हैं ना, तो ऐसे आप समझ लेना। बनाना ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है, और खजूर, डेट,
इन चार का इनफ्लोरोसेंस जो आप पढ़ोगे क्या होता है, स्पैडिक्स। और इंपॉर्टेंट पूछते भी हैं कि बताओ इसमें इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, तो क्या होते हैं, पुष्पक्रम स्पैडिक्स। अब एक प्रश्न और केला से अच्छा बनेगा कि केला में जो फूल होते हैं वो कौन कौन पाया जाता है, केला में कौन कौन से फूल पाए जाते हैं। जैसे आपने कल बताया था ना कि गुरुजी आम में जो फ्लावर होते हैं ना, अगर मैंगो में बात करूं फूलों का, तो वो कौन कौन सा फूल आपने बताया था, एक मेल होता है और दूसरा बाइसेक्सुअल। इससे प्रश्न पूछते हैं बार बार, तीन फूल तो आपको याद ही रखना है। दूसरा पूछ लेगा अगर केला की बात करें तो केला में पाया जाता है एक फीमेल पाए जाते हैं और दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाएगा। तो बताओ केला में कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो फीमेल और दूसरा कौन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये लिख लेना कहीं। और अगर हम पपाया की बात करें, पी ए बाई ए पपाया, तो इसमें पॉलीगेमस पाया जाता है, मेल भी पाया जाएगा, फीमेल भी पाया जाएगा और बाइसेक्सुअल भी पाए जाते हैं। इसीलिए पपीता को हम पॉलीगेमस कहते हैं। क्या बोलोगे बताओ, पॉलीगेमस। तो ये तीनों याद रखोगे। आम में कौन सा फूल पाए जाते हैं, तो मेल और बाइसेक्सुअल पाया जाता है। केला में कौन पाए जाते हैं, तो केला में फीमेल और बाइसेक्सुअल पाए जाएंगे। पपाया में कौन पाया जाता है, मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल पाए जाते हैं। ये सब छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना। चले बेसिक पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, चले आ गया। अब बताओ इसमें दो तीन पॉइंट और मुझे छूट गया। ये जो अगर बनाना की हम बात करें, केला की बात करते हैं बनाना, तो इसमें प्रचुर मात्रा में ऊपर से चल जाए। फ्रूट टाइप की बात करें, क्या क्या बात करेंगे बताओ, बनाना का फ्रूट टाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं, फल प्रकार। तो फल प्रकार आप लिख लेना, फल प्रकार जो केला का अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, जो गुच्छे में लगते हैं उसका फल प्रकार क्या है दोस्त, बेरी। क्या है, बेरी। एकदम सीक्वेंस में जो पहले पढ़ चुके हैं। अब इसका हम बात करेंगे किसका, प्रवर्धन का। किसकी बात करोगे, प्रवर्धन यानी कि प्रोपगेशन का। किसकी चर्चा करेंगे, प्रोपगेशन की। प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, तो आपने बताया था कि केला का जो नीचे वाले भाग होते हैं ना सर, जमीन के नीचे वाले भाग, इसको तो हम बोलेंगे राइजोम। क्या बोलते हो बताओ, राइजोम, राइजोम। और ऊपर वाले जो भाग होते हैं केला का, ये कहलाता है अभासी तना। कैसा तना है, अभासी तना, जिसे हम कहते हैं सूडो स्टेम। क्या बोलोगे, सूडो स्टेम। और इसी राइजोम से विकसित होता है सकर्स, पढ़ा चुका हूं सकर्स। और इसी से बनेगा क्या, सॉर्ड, SWORD, सॉर्ड सकर्स, तलवार के जैसा, सॉर्ड सकर्स। अब इसमें अगर ऑप्शन रहता ऑल, तो क्या टिक करते बताओ, ऑल करोगे ना ये टिक। और अगर रहता ऐसा तीनों अलग अलग ऑप्शन रहता, जैसे राइजोम रहता, सकर्स रहता, ये करवाया हूं, और ये सॉर्ड सकर्स रहता, और ये कुछ और ले लो कॉर्म रहता, तो हम क्या टिक करेंगे, सॉर्ड सकर्स। क्योंकि प्रवर्धन में क्या करना है, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाना है, तो जो ज्यादा जवान रहेगा उसको लेंगे हम। और इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन आपसे पूछ लेगा 500 से लेकर 750 ग्राम। कितना, 500 से लेकर 750 ग्राम। ये बेसिक पॉइंट कुछ हुए जो हर लोग बताते हैं, यहां तक तो हम सब पढ़े हुए हैं, इसमें कोई नया चीज आज हम नहीं सीख रहे हैं कि भाई ये कुछ नया, ये तो पहले ही जनरल में पढ़ा चुका हूं। नया क्या है, देखो इसमें एक पॉइंट है। अब जो केला में आपको पूछेगा कि मॉडर्न टेक्निक क्या है, मॉडर्न प्रोपगेशन तकनीक क्या है केला में, आधुनिक विधि बताओ प्रवर्धन की, प्रवर्धन की आधुनिक विधि। ये प्रश्न अच्छा बनेगा कि आजकल आधुनिक विधि कौन अपनाते हैं, पूरा लिखना मैं थक जाता हूं लिखते लिखते, तो वो कौन है, टिशू कल्चर। आधुनिक विधि कौन है बताओ, टिशू
कल्चर, तो ये इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर किस किस में करते हैं, अगर केला की चर्चा हुआ तो दो इंपॉर्टेंट, एक तो बनाना में आप ध्यान रखना कि टिश्यू कल्चर अपनाते हैं, दूसरा कौन है स्ट्रॉबेरी, क्या है स्ट्रॉबेरी, यहां भी क्या अपनाते हैं टिश्यू कल्चर। अब ये स्ट्रॉबेरी ऐसे लिखना है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इसमें क्या अपनाते हैं टिश्यू कल्चर, आलू में भी करते हैं। इस टिश्यू कल्चर के कारण, इसी टिश्यू कल्चर के कारण केला में किसका प्रकोप कम हो रहा है। केला में आप जानते हो पपीता केला में सबसे ज्यादा आक्रमण होता है वायरस का, तो इसी टिश्यू कल्चर के कारण केला में वायरस अटैक, वायरस का प्रकोप क्या हो रहा है कम, प्रकोप कैसा हो रहा है बताओ कम। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा कि केला में किसका अटैक, वायरस का अटैक क्या हो रहा है कम, किसके कारण टिश्यू कल्चर के कारण, और कौन सा भाग से जिसे हम बोलते हैं मेरी स्टेम कल्चर, कौन सा कल्चर है बताओ मेरी स्टेम कल्चर, ये ध्यान रखना, जिसके कारण वायरस का आक्रमण क्या होता है कम। तो प्रवर्धन की सारी पॉइंट आपको आने चाहिए। मेरी स्टेम केला की सबसे ऊपर वाले भाग जिसमें क्या होता है मैक्सिमम सेल डिवीजन होते हैं, अगर ये केला है इसके ऊपर वाले भाग हम बात करें तो ये कौन सा भाग है बताओ मेरी स्टेम, मेरी स्टेम को हिंदी में कहते हैं शीर्ष भाग, केला का ऊपर वाले भाग है शीर्ष, और इसमें सबसे ज्यादा होता है कोशिका विभाजन की क्षमता, किसमें होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं शीर्ष विभज्योतक, क्या बोलते हो बताओ शीर्ष विभज्योतक, कौन सा भाग है। आप लोग ना क्लास में जो है ये अभी देखते रहो, ये भेजवा दूंगा स्लाइड, नोट्स आपको बनाना है, ये नहीं सोचना कि सर सार में लिखे हुए हैं इसलिए मैंने लिखा नहीं, ना पूरी जब पीडीएफ जाते हैं ना तो आप प्रॉपर नोट्स बनाओ शुरू से, उसी में घुसेड़ते मत जाओ, जिस इस जगह है छोटी छोटी लिख रहे हैं ऐसे नहीं, सवाना पूरा लिखना है, कल नहीं आई क्यों, फिर तो पढ़ाने मुझे मजा ही नहीं आया, आना चाहिए ना, गुरु को रोज दर्शन होनी चाहिए विद्यार्थियों का। चले ये देखे, तो ये क्या है मेरी एस्टेम, जिसे हम क्या बोलते हैं शीर्ष विभज्योतक, इसमें सबसे फास्ट क्या होता है सेल डिवीजन, जिसके कारण वायरस का अटैक क्या होगा कम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस का अटैक कम। अब देखो अगला पॉइंट मैं बताता हूं क्या है, एक शब्द और केला में सबसे अच्छा आजकल वैज्ञानिक काम कर रहे हैं जिसका नाम है रेतूनिंग, नाम सुना है रतून का नाम सुना है, गन्ना में क्या होते हैं रतून काट देते हैं फिर गन्ना आ जाएगा, फिर का आपको काटो फिर गन्ना, यानी बार बार बुआई नहीं करना पड़ेगा सोइंग। तो ये जो रतूनिंग विधि है ना ये कहां कहां अपनाते हैं देखो, एक तो गन्ना में, देखो कितना फायदा होगा देश में, एक तो गन्ना में अपनाते हैं, दूसरा अगर अपने हॉर्टिकल्चर की बात करो तो सब्जियों में एक यूज करते हैं जानते हो बैगन में, किसमें यूज करते हैं बैगन में, और इसका प्रश्न भी आया हुआ है एआरएस में, हिसार जामुनी किसकी वैरायटी है रतूनिंग वैरायटी है, किसका है ब्रिंजल का। अब ना आजकल वैज्ञानिक सोच रहा है क्यों ना ये रतूनिंग की क्रिया केला में अपनाई जाए, किसमें अपनाई जाए केला में, देखो क्या फायदा होगा, क्योंकि केला को किसान को बेचारे को हर साल एक वर्ष ये लगाएगा और केला को क्या करना पड़ता है यहां से पूरा काटना पड़ेगा, हर साल इसको क्या करना पड़ता है बदलना पड़ेगा, तो वैज्ञानिक सोच रहा है क्यों ने टिश्यू कल्चर के द्वारा ऐसा डेवलप किया जाए वैरायटी जिसमें कम से कम दो तीन बार क्या कर सकते हैं रेतूनिंग अपना सकते हैं, कितनी बार बताओ दो से तीन बार, यानी कि तीन बार आप केला को काट सकते हो, एक बार केला का आपने सोइंग किया और कितनी बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं बताओ तीन बार इसकी क्या कर सकते हो कटाई, तो ये बड़ा अच्छा होगा। अब पूछा जाए ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा टिश्यू कल्चर के, बता दिया ये सारे पॉइंट बताओ, टिश्यू कल्चर के कारण ही इसमें वायरस का अटैक क्या होगा कम, और टिश्यू कल्चर के द्वारा एक बार केला लगा दे किसान तो क्या हर साल उसको लगाना पड़ेगा नहीं, कितने साल केवल हमें कटाई करना है, कितने साल ले सकते हैं दो से तीन साल इसका उत्पादन हम कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा टिश्यू कल्चर के द्वारा, और सबसे मॉडर्न टेक्निक की अगर बात करें मेरे दोस्त तो कौन आया टिश्यू कल्चर, कौन सा है टिश्यू। तो प्रवर्धन में इतना इनफ है,
खूब है इतना, ठीक है। तो क्रोमोजोम हो गए, प्रोपगेशन हो गया आपका। अगला पॉइंट जनरल में हम क्या चलते रहते हैं बता दो, ओरिजिन की बात आपने कर दिया, अब हम बात करेंगे फिर से वही कहानी, पुष्पक्रम कर दिया, इनफ्लोरोसेंस क्या हो गया, स्पैडिक्स कैसा हो गया, स्पैडिक्स। इसमें फूल कैसा पाया जाएगा, तो फूल पाया जाएगा फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल, कैसा पाया जाएगा, फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे इसका क्लाइमेट का, कहानी अब यहां से शुरू करेंगे। कौन सी चर्चा है, क्लाइमेट। बोटनिकल नेम तो कर लोगे ना, वो समझाने के नहीं पागल, उसमें सोचोगे टीचर कुछ करे बोटनिकल नेम फैमिली, तो मैं क्या करूंगा, तेरा नाम अजय पालीवाल है तो है, तो है, तुम टॉप के निवासी हो तो वहीं के रहोगे, चेंज थोड़े हो जाओगे, कितना भी ट्रिक बना के तुझे भीलवाड़ा का बना दूंगा तो चेंज नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट, तो बताओ क्लाइमेट का मतलब होता है, कहानी शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे इसका, कहां जलवायु, किसकी चर्चा करेंगे, जलवायु। तो मैंने आपको बता दिया था कि केला कहां का है बताओ, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, कहां का है बताओ, ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि उष्ण जलवायु का है। जो ट्रॉपिकल का है, अगर प्रश्न आए क्या इसको सब ट्रॉपिकल में लगा सकते हैं, हाँ, अरे गधे, उस दिन ही चर्चा किया, आम लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन रहे कि केला क्लाइमेट किस क्लाइमेट का है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एरिड, ऐसा रहे तब क्या टिक करेंगे, ट्रॉपिकल। लेकिन कई ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं बड़े एग्जाम में कि क्या इसको, ये आपके दिमाग को चेक करना चाहता है कि केला को क्या हम सब ट्रॉपिकल में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, कहां लगा सकते हैं बताओ, सब ट्रॉपिकल में, चलो ठीक है। अब ट्रॉपिकल हो गया तो इसके लिए आपको मृदा कैसी चाहिए, तो मृदा में तो कोई चेंज करोगे नहीं, सॉइल कैसा चाहिए, सैंडी लोम चाहिए। अब इसकी पीएच की बात करें तो पीएच इसका कितना रखेंगे, 7 से कम। अब केला को पानी ज्यादा चाहिए, ये तो कंफर्म है, केला क्या है, पानी ज्यादा चाहिए, और केला को पानी ज्यादा चाहिए तो इसकी पीएच आप इतना से यहां तक रख सकते हो, 5.5 से लेकर कहां पे 6.5 के बीच ये पीएच रख सकते हो। ये जो केला होते हैं इसमें चिलिंग इंजरी, एक प्रश्न ये बड़ा अच्छा आता है, चिलिंग इंजरी केला में कितने डिग्री पे होता है, INJURY, चिलिंग इंजरी हिंदी में क्या बोलोगे, ऐसा ही चिलिंग और फ्रीजिंग पढ़ा चुका हूं, कहां पढ़ाया हूं गुरुजी, डिसऑर्डर में, चिलिंग इंजरी, चिलिंग क्षति, चिलिंग क्षति, तो ये कितने डिग्री पे होते हैं, चिलिंग मैंने बताया था 10 डिग्री से कम, लेकिन केला में चिलिंग इंजरी होंगे आपको 12 डिग्री, 10 से 12 डिग्री से कम तापमान पे। केला का लगभग प्रश्न आपको 10 12 वाले याद रखना है। अगर आ जाए केला का स्टोरेज आ जाए कि केला में भंडारण कितने डिग्री का करते हैं, एक प्रश्न ये आता है भंडारण, तो मैंने याद करवाया था जो ट्रॉपिकल होते हैं उसका भंडारण 8 से 12 डिग्री, और केला का एग्जैक्ट मैंने याद कराया था कितने डिग्री, 13 डिग्री, तो ये 12 12 याद रखना, ये दोनों प्रश्न आते हैं चिलिंग इंजरी। अच्छा एक प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा आपका कि चिलिंग इंजरी किसमें होता है, बताओ चिलिंग इंजरी किसमें होता है, चिलिंग क्षति आप पूरा लिखना, चिलिंग क्षति किसमें होता है, ऑप्शन ए लिख देता आम, ऑप्शन बी लिख देता केला, ऑप्शन सी लिखता पपीता, ऑप्शन डी लिखता आंवला, ऑप्शन ई लिखता संतरा, ये सारे, और ऑप्शन एफ लिख देता सभी, तो क्या टिक करते बताओ, सभी, सही बात है, ये मैं करवा चुका हूं। चिलिंग इंजरी सभी में होते हैं, कौन कौन सभी में सर, फिर से बता दो एक बार, तो वो जलवायु ट्रॉपिकल हो या तो कैसा हो, सब ट्रॉपिकल हो, या तो वो फल कहां का हो, एरिड का, इन तीनों जलवायु में क्या देखने को मिलेगा, चिलिंग इंजरी, क्या देखने को मिलेगा। अब इसी प्रश्न में आ जाए कि चिलिंग इंजरी सबसे ज्यादा किसमें होंगे, ये प्रश्न आ सकते हैं, तो इसी में मैंने वो दांत का खोंधड़ वाला उदाहरण दिया था, याद है, अरे आइसक्रीम खाएंगे तो सबको सिलसिलाहट होगी हल्की हल्की, सबको एक कपकपी लग रही है, ठंड है ठंड है, लेकिन सबसे ज्यादा कापेगा कौन, अरे बाप रे बाप बहुत ठंड, ये पपीता, और इधर ध्यान रखना ये कौन है, आंवला, ये आते हैं मोस्ट सेंसेटिव में सबसे ज्यादा, तो किसमें है,
पपीता और आंवला। ये एक प्रश्न आपके चिलिंग का बनते हैं, हमेशा बनते हैं, हर बार वही कॉन्सेप्ट आप लिखोगे तो ठीक है। चले अब आगे, अब यहां से कहानी को आगे बढ़ा दे। अब एक प्रश्न और बनता है, देखो सारे प्रश्न ही मैं लिख देता हूं ऐसे बोल बोल के कि एक और बनता है एक और। यही कारण है हॉर्टिकल्चर में सब चीज आपको इस नोट्स में ही मिलेंगे। मैं खुद ही पढ़ के आता हूं, देखना पीछे वाले स्लाइड में आज कम से कम 25 पॉइंट और ऐड किया हूं कि नहीं भाई ये भी लिखा दे, चलने दे बच्चे को, क्योंकि वो पीछे वाले सब पढ़ाए तो कुछ तो नया पढ़े। अब एक तो पॉइंट बनेगा केला में कार्बोहाइड्रेट, ये पढ़ा हुआ है आपका। कार्बोहाइड्रेट होते हैं कितना प्रतिशत? 26%। कितने होते हैं? 26। और यही केला का तापमान पूछ लिया जाए तो होता है 26%। 3 26 याद कराऊंगा एक ही बार, तुम पूरा लिखोगे। ये कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं कि स्लाइड 3 घंटे बाद तेरे मोबाइल पे जाए ना तो तुम भूल जाओ ये क्या है रे कार्बोहाइड्रेट। ये पूरा लिखना, केला में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत है? 26। तापमान कितने? ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है केला का? ऑप्टिमम टेम्परेचर तापमान कितना है? 26। और दूसरा इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ल्ड शेयर प्रोडक्शन। शेयर प्रोडक्शन यानी विश्व में उत्पादन में शेयर किसका? भारत का। चलो ऐसे लिख देता हूं, इंडिया का लिख देता हूं यहां। अब इसको ना ऐसे लिखते हैं, भारत का विश्व में उत्पादन शेयर तो बड़ा अच्छा आता है। और अच्छा से कैसे लिखता? भारत का विश्व में केला उत्पादन का शेयर प्रतिशत क्या हो? शेयर का मतलब क्या होता है? अरे मान लिया जाए पूरा विश्व केला उत्पादन कर रहा है, आपको पता हो आम केला इन दो में भारत विश्व में नंबर वन पे है। कितने पे है? नंबर वन पे। तो पूरे विश्व में जितने केला होते हैं उसका भारत कितना प्रतिशत? 26% उत्पादन करता है। कितना अच्छा जोड़ दिया ना, 3.26। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट कितना? 26। टेम्परेचर कितना? 26। ये 25.7 होते हैं पर मैंने अप्रोक्स ला दिया कहां? 26। और भारत पूरे विश्व में कितना प्रतिशत शेयर करता है? 26। अब मैंने बोला था वर्ल्ड में, विश्व में, वर्ल्ड में किसमें? अस आम और केला में किसका? इंडिया, भारत का पोजीशन कौन है? फर्स्ट। कौन है? फर्स्ट। छोटी छोटी ये सब प्रश्न बनते हैं। आम और केला का उत्पादन में पूरे विश्व में इंडिया क्या है? फर्स्ट। चलो भाई आगे। अब ये फर्स्ट कर दिया तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि एक ये भी बता दे यार, पहले तो विश्व में बता दिया भारत नंबर वन है, तो अब बता दे कि भारत में कौन सा राज्य नंबर वन है? लीडिंग स्टेट किसमें बात किया गया? प्रोडक्शन में। आप इसको समझते हो लीडिंग स्टेट का मतलब? अरे इतना तो हिंदी वाले इंग्लिश समझ जाओगे। तुम्हें लगता है ना मुझे कितने मुश्किल काम होते हैं एक एक लाइन को हिंदी इंग्लिश करना। लीडिंग स्टेट का मतलब होता है अग्रणी राज्य। किसमें? उत्पादन में। किसमें बोल रहा है? उत्पादन में। कौन है केला में बताओ? तमिलनाडु। कौन है? देखो तमिलनाडु से दो प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। अगर पूछा जाए कुल फल उत्पादन का सबसे ज्यादा उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो भी कहां जाता है? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा फल उत्पादन की अभी इस समय बात करें आंध्र प्रदेश। कहां है बताओ? आंध्र प्रदेश। आम सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश। केला सबसे ज्यादा कहां है? ये तो एक दिन लास्ट में पढ़ा दूंगा सबको राज्य वाइज, जब डेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा ना। डेटा कब पढ़ाऊंगा? सबसे लास्ट में। जब डेटा अपन पढ़ेंगे तो फल सब्जी फूल सब एक दिन एक घंटा में सब पढ़ा दूंगा, ये अभी रहने देना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बताओ? तमिलनाडु। तो ये हो गए जनरल चर्चा, मिट्टी उट्टी तक अपने पहुंच गया। अब इसके बाद फल प्रकार हो गए। कुछ और जनरल में टॉपिक बचा हुआ है नारो भैया? नहीं बचा हुआ है तो मैं थोड़ा स्लाइड देख लेता हूं आपके लिए। एक दो पॉइंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ जाओगे क्या है? कोशिश करता हूं, हिंदी वाले समझाता हूं तो बेचारा इंग्लिश वाले भी तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखो कल पत्रु का मतलब क्या होता है? अब इसको आप ये मत लिखना, आप ऐसे लिख लेना कल्प वृक्ष। इतना तो समझोगे? ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा होती है, भगवान
एकदम ईश्वर निकाल देना। कहां पूजा करते हो? केला के पास। कहां करते हैं? नारियल के पास। कहां करते हैं? पीपल के पास। और कहां? बरगद के पास। और कहां? बेल के पास। बेल पत्र, बेल के पास भी तो पूजा होते हैं, इन तुलसी के पास। वाह नारुवेया, इन सबको कहते हैं कल्प वृक्ष। लिख लोगे? इतना पूरा लिखना पड़े। इनको क्या बोलेंगे? कल्प वृक्ष। यानी एग्जाम में देखो, जेआरएफ के प्रश्न में ऐसा आया हुआ है, प्लांट ऑफ वर्चू। वर्चू का मतलब होता है विश्वास का प्रतीक, गॉड का प्रतीक। तो वो कौन होता है? कल्प वृक्ष। कौन सा वृक्ष कहलाता है? कल्प वृक्ष। और इसमें प्रश्न आने वाले कौन कौन है ये मैं आपको लिख देता हूं। एक तो नारियल पूछ लेगा, नारियल का देखा है ना, पूजा बहुत होते हैं। और दूसरा आपके एग्जाम में पूछा जाता है केला। जानते हो ये केला प्रश्न पूछा हुआ है, केला किस भगवान का प्रतीक है? तो विष्णु भगवान का। कौन सा है? विष्णु। आप लोग अभी छोटे बीएससी वाले स्टूडेंट्स हो, मैं जब 7वीं 8वीं में था ना, 7th 8th में, तो बृहस्पतिवार की पूजा होती है, याद है बृहस्पतिवार की कथा? उसमें पीला पीला वस्त्र पहन के विष्णु भगवान की पूजा मैं 5-6 साल किया हूं उस समय, 7वीं 8वीं में, पूरा स्कूल में करता था एकदम। मैं पूरा बुक ला के पढ़ता था, व्रत, वो घोड़ा पे जा रहा है राजा। अब तो भूल गए ना, 15-20 साल पुरानी कहानी। तो ये विष्णु भगवान की पूजा होती है। नारियल में कौन सी भगवान की पूजा है? किसी भगवान के लिए प्रसिद्ध है नारियल? सबके लिए, नारियल सब पे चढ़ते हैं। हाँ तो बढ़िया है, तो नारियल को सब पे चढ़ा दो, ठीक है, चढ़ा दो आप। अगला आते हैं नेक्स्ट। अच्छा बताओ, कल्पतरु का मतलब समझ जाओगे अब? कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब ऐसा वृक्ष जिनकी क्या होती है? पूजा होती है। स्वर्ग का पेड़ विष्णु, ठीक है। इधर भी पढ़ लेता हूं, कोई कोई ना इधर से भी बच्चे अच्छे जवाब दे देते हैं। अम्बाला, बेल केला, ठीक है। खेजड़ी, खेजड़ी के ये तो है वृक्ष, पूजा भी होते हैं इसके। हाँ होते थे, यहाँ सूरज पोल पे यहाँ एक लगा हुआ है, उसमें औरत औरत को देखा हूँ धागा हुआ बांध के जाते हैं, बच्चे को कुछ बीमारी होते हैं ना तो वहाँ वो, सही है ना। यहाँ पेड़ जो बालाजी का मंदिर है ना, वहाँ एक पेड़ याद आ गया। तो खेजड़ी भी कैसा आएगा? कल्प वृक्ष में, ठीक है। अब इसमें आ सकता है ऐसा कि कौन सा कल्प वृक्ष ताकतवर है? ताकतवर का मतलब जिनके सामने ऐसे मांग लेना पूरा हो जाए, तो ये अजीब अजीब चीज है। चलो अब प्लांटेन मींस क्या होता है? कल्प का मतलब तो समझ गया, कल्पतरु का मतलब समझ गया, ये लिखा हुआ है। ऐसा बनाना जिसको पका के खाते हैं, कुकिंग बनाना, तो ये अपने काम का है नहीं। अब बनाना लीफ, ये सब कहां यूज करते हैं? केला की पत्ती। अरे देखे हो केला पत्ती, केला पत्ती, कुछ पॉइंट में लिख के लाया ताकि भूल ना जाऊं। कंसीडर एज बायोलॉजिकल प्लेट, जैविक प्लेट, जैविक प्लेट, वाह बिल्कुल, जैविक प्लेट के रूप में किस वृक्ष का पत्ती उपयोग करते हैं? केला। और ये करते हैं साउथ इंडिया में, कहां करते हैं? भोज भंडारा जब करते हैं ना, ये तो हमारे तरफ भी खूब होते हैं, लेकिन ये साउथ इंडिया में फेमस है। कौन? केला की पत्ती। इसको काट देंगे, इसी पे खाना देते हैं। कितने मूवी में भी आपने देखा होगा। तो बायोलॉजिकल प्लेट, ये सब इंपॉर्टेंट। चिलिंग इंजरी कितने डिग्री, ये तो करवा दिया। अब बनाना इज द मोस्ट कंज्यूम फ्रूट क्रॉप इन इंडिया, इसको समझो। कहा जा रहा है कि कौन ऐसा फल है जिसको सबसे ज्यादा भारत में खाया जाता है? लिखना अब, सबसे ज्यादा किस फल को खाते हैं? अच्छा, कौन सा फल इंडिया में सबसे ज्यादा होता है? प्रोडक्शन भी किसका है? केला का। सबसे ज्यादा अगर उत्पादन बोला जाए तो भी किसका है? उत्पादन, प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट रैंक किसका है? केला का। और सेकेंड रैंक किसका है उत्पादन में? आम का। और थर्ड रैंक किसका है? सिट्रस का, नींबू वर्गीय का है। और एरिया की अगर हम चर्चा करें, क्षेत्र का, तो सबसे ज्यादा किसका है? मैंगो का। उसके बाद किसका है बताओ एरिया में? उसके बाद है नींबू का, और उसके बाद किसका है? केला का। ये डेटा पुराना है लगता है मेरे हिसाब से, केला है उसके बाद नींबू। ये डेटा हर साल ना एरिया चेंज होते रहते हैं,
मैं पढ़ के कुछ और आता हूँ, साल भर में पता लग जाए तो बदल गया। बहुत दिक्कत है एक टीचर को यहाँ लिखना, एक गलत लिख दोगे ना, एक छोटी सी क्लिप कटा गया है, देखे अरे राम सर गलत पढ़ा रहे थे, बहुत टेंशन होते हैं। चलो ये तो ये डेटा ऐसे क्या होते रहते हैं चेंज, ये लास्ट में अपने करेंगे। कब करोगे? लास्ट दिसंबर में अपने डेटा आ जाएंगे न्यू, उस टाइम पूरा नया करेंगे। चलो ये तो हो गया अपना उत्पादन की बात कर लिए, और सबसे ज्यादा अच्छा एक प्रश्न जो अभी आया उसको बता देता हूं। हाई कैलोरीफिक वैल्यू ये लिखो, कैलोरीफिक वैल्यू फ्रूट ये क्या होता है, कौन ऐसा फल है जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू मूल्य पाया जाता है। कैलोरी का मतलब 100 ग्राम आप सेब खाओ, 100 ग्राम केला खाओ, 100 ग्राम आम खा लो और 100 ग्राम पपीता खा लो, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलेगा? बनाना में। तो ऐसे समझ जाओगे सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कौन है, तो वो है केला। अभी पिछले साल ही आया हुआ प्रश्न है केला। अब इसमें पाया जाता है लगभग 60 से 135 माइक्रोग्राम के आसपास, किलो जूल के आसपास एनर्जी। लेकिन आपको ये केवल याद रखना है सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, केला का। किसका है? केला का। तो ये पॉइंट हो गया डिस्कशन। केला ट्रिप्लॉइड बीज रहित होता है, केला अनानास अंजीर सब किसके द्वारा डेवलप किया गया है बता दिया हूं, ये सब डेवलप किया गया है वेजिटेटिव, किसके द्वारा? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के द्वारा। कहां पढ़ाया हूं? पार्थेनोकार्पी में। यहां पे हम बात नहीं करेंगे इसका। नेक्स्ट पॉइंट है फल प्रकार, फ्रूट टाइप बता दिया हूं इसका कि फ्रूट टाइप क्या होगा। सरस विश्व में सर्वाधिक कहां है? इंडिया। भारत में सर्वाधिक कहां है? तमिलनाडु। ये चर्चा कर चुका हूं। नेक्स्ट, अब केला में पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, स्टार लगा लेना, रिच सोर्स ऑफ पोटाश, रिच सोर्स ऑफ पोटाश, प्रचुर मात्रा में पोटाश पाई जाती है। केला की बुआई के लिए उपयुक्त विधि कौन है? ट्रेंच, ट्रेंच सोइंग मेथड अगर बात करें तो वो कौन सा है? ट्रेंच, ठीक है, नाला विधि। चले आ गया लिखना, बीच में क्या है इसमें, ये इसके बीच में, ये तो इतना मैंने देखा ना, देखने से तो अमरूद लग रहे हैं। ये वाले इंटरक्रॉपिंग के रूप में, चले आ गए। ये क्या है? उच्च तापमान, कितना पढ़ा चुका हूं, 26.5। शर्करा की मात्रा बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट कितनी होनी चाहिए, शुगर प्रतिशत लिख लो इसको, कार्बोहाइड्रेट से अच्छा शुगर परसेंटेज 26 से 27। केले को बीज रहित करने के लिए लिख दिया हूं, सीडलेस बनाने के लिए किसका उपयोग करोगे? 2,4-D का। कितना पीपीएम स्टार लगा लो? 25 ppm। सीडलेस बनाने के लिए, सीडलेस इसमें बीज एबोर्ट सीड है, मरा हुआ बीज है, इसको आप लगा दोगे ना ये सब बीज को तो इससे प्रोपगेशन नहीं होंगे, प्रवर्धन नहीं होगा, मरा हुआ। तो ये इसके सीडलेस बनाने के लिए किसका उपयोग करोगे? 2,4-D का। अब हम बात करते हैं इसका बंच, ये है बंच, इस गुच्छा को बढ़ाने, ये तो गुच्छा छोटा छोटा है पागल, ये चिनिया केला है, जितने छोटे केला होगी ना उतना मीठा होगा, जितना छोटा केला होगा उतना क्या होगा? मीठा। और ये पूरे को क्या बोलते हो? बंच। क्या बोलेंगे? बंच। इस बंच की वजन को बढ़ाना है तो किसका उपयोग करेंगे? पोटास का। किसका उपयोग करोगे? पोटास का। जैसे एक और प्रश्न आता है इम्प्रोपर बंच फिलिंग, असमान बंच का बनना, ये भी प्रोपर बंच नहीं है, इससे भी बेहतरीन बंच बनते हैं। प्रॉपर बंच का बनना तो ये किसके कारण होता है? पोटास। तो असमान किसके कारण होगा? इसकी कमी के कारण। किसके कारण होगा? इसकी कमी। अब आते हैं महत्वपूर्ण क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं, इस पे आप स्टार लगा लें। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बात कर रहे हैं किसका? केला का। सबसे पहला हम पढ़ेंगे जिसका नाम है
डीनेबलिंग का मतलब होता है नर भाग को क्या कर देना है, हटाना है। नर भाग को क्या करना है, हटाना है। जैसे आपको ये इमेज कहां पे देखने को मिला होगा, इसमें तो नहीं है, यहां से समझा देता हूं। ये कौन सा पार्ट है, ये है नर भाग। क्या है, ये मेल पार्ट है। तो ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट तो इधर दिख रहा है, फीमेल फूल तो इधर दिख रहा है। तो ये कौन सा भाग है बताओ, मेल। और ये कौन सा भाग है, फीमेल। फीमेल वाले पार्ट से क्या बन रहा है बताओ, केला बन रहा है, क्योंकि फीमेल पार्ट से ही फ्रूट का प्रोडक्शन होगा, ये तो इधर से बन रहा है। अब इसमें होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स देखो, ये केला का पेड़ ऐसे ऐसे है और इसमें बंच लगा हुआ, नर कहां है, आगे। नर कहां है, आगे। तो अगर कोई न्यूट्रिएंट्स आएगा, पोषक तत्व तो आएंगे इस पेड़ में, तो उसको कहां से कहां गति करना पड़ेगा बताओ, उसको बेचारे को मूव करना पड़ेगा, यहां ये केला, केला से यहां आना पड़ेगा, यहां गुच्छे लगे हुए हैं, फीमेल वाले पार्ट लगा हुआ है, और ये बड़का सा यहां क्या है, नर। देखो आप ये वाले, अब यहां से पोषक तत्व ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ये पहले मादा के पास गया, उसके बाद किसके पास आ रहा है, नर के पास। नर यहां से खाकता रहे हैं, पहले मैं खाऊंगा उसके बाद तेरे को मिलना चाहिए। ये नारी बेचारी परेशान हो जाती है, ये बोलती है यार हमें तो केले को बड़ा करना है, केला का मतलब फल बड़ा होंगे तभी मार्केट में कीमत क्या मिलेंगे, अच्छा मिलेगा। और ये बार बार यहां से नर ना परेशान करता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, पहले पोषक तत्व इधर ले आओ, न्यूट्रिएंट्स इधर ले आओ, मुझे बड़ा होना है। तो वो नारी बोलती है गधे, अब तेरे को बड़ा होने से क्या मतलब, तेरी सेवाएं समाप्त हो गए हैं, पोलिनेशन की क्रिया हो गई, इसकी सेवाएं क्या हो गए, समाप्त, परागण के बाद इसकी क्रिया क्या है, खत्म। वैज्ञानिक के पास जाके शिकायत की मादा, वैज्ञानिक साहब कुछ करो। बोले क्या हुआ, ये नर ना बेरोजगार परेशान करके रखा है, आते ही बोलता है जितना खाना है उसका 60% हमें दे दो, बताओ हम इतने बच्चे को कहां से खिलाएंगे। बोला परेशान कर रहा है नर, ऐसा कर इसको काठी डालता हूं, हटाओ। तो डी का मतलब क्या होता है, हटाना, और नेबलिंग का मतलब होता है नर भाग, नर भाग को ही आप काट दो। तो इससे दो फायदा, एक तो बार बार इसको परेशान नहीं करेंगे मादा को, चैन से अपनी पूरी केला को बढ़ाएगी, बड़े बड़े करेगी यहां पे, तो ये सारे केला होगा बड़ा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहां नहीं आएगा इस हाथ पे। दूसरा, ये नर कहां गिर गया, नीचे, और इसकी वजन है 1 से 1.5 केजी, कितनी है 1 से 1.5 केजी, और इसको उपयोग कर लेगा वेजिटेबल्स के रूप में, सब्जी के रूप में बेच देगा, 15 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, सारे पेड़ से काट करके ये 15 रुपये मंडी में बीच बिक जाएगा, 15 रुपये 20 रुपये। तो दो फायदा हो गया, न्यूट्रिएंट्स का बचत हो गया, किसानों को फायदा हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, डीनेबलिंग। क्या बोलोगे बताओ, बताओ डीनेबलिंग किसमें करते हैं, केले में। किस लिए करते हो, नर भाग को हटाने के लिए। कब नर को हटाओगे, पहले हटा देंगे, अब हटा सकते हैं, ये तो पहले का लिखा हुआ बुक से। अब नर की तो कोई कीमत ही नहीं है केला में, हकीकत ना तो पोलिनेशन होता है, क्योंकि अब केला कैसे है, पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन, बिना निषेचन, निषेचन करवाना ही नहीं, तो ये तो फालतू नर बढ़ते हैं। आप ऐसा सोच लो, आज 90% प्लांट ऐसे हो गए फल का और सब्जी का, जिसमें बेचारे नर को ना उत्पन्न होने से पहले कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है। बताऊंगा, मेल स्टरिलिटी एक ऐसा आता है रसायन, जो पहले ही छिड़क देंगे, अभी फूल बना नहीं, अभी नर वाले लिंग जो है ना थोड़ा सा विकसित हो रहे हैं, हल्की छोटकी छोटकी, उसी पे केमिकल ऐसे छिड़क देता है रसायन, तो छोटा वाला जो लिंग था नर का वो भी जल के मर जाता है। बोलता है ले, अभी बड़ा भी नहीं होने दिया, मार दिया। तो सेवाएं, उसको बोलते हैं मेल स्टेराइल। क्यों मारा जाता है बताओ, इसलिए मारा जाता है कि ये जो नर है ये जैसे जैसे बड़ा होगा उपद्रव मचाएगा। उपद्रव मचाएगा का मतलब शांत तो रहेगा नहीं, कभी पोलन ग्रेन उस फूल पे फेंक देगा, कभी हवा के द्वारा उस फूल पे चला जाएगा, और फूल पे पोलन ग्रेन जाएगा तो फूल जो है स्टिग्मा परागकण को ग्रहण कर लेगी, परागकण को ग्रहण करेगी तो बीज बन जाएगा, और बीज बनने नहीं देना है, बीज
बनने नहीं देना है क्योंकि उसकी डिमांड क्या होगी, कम। बीज सीडलेस बनाना है और सीडलेस के लिए मारना है किसको, नर। तो नर को मारने के लिए आजकल मैलिक हाइड्राजाइड का बहुत उपयोग करते हैं। इसको हमने बोला था मेल हत्यारा, याद कराया था ना, एमएच का पूरा नाम मैलिक हाइड्राजाइड नहीं, क्या करोगे, मेल का हत्यारा। नर हत्यारा कौन है, एमएच। तो हर जगह अब हार्मोन का उपयोग हो रहे हैं, नर को बेचारे को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। ये सारे अच्छे टॉपिक ना पढ़ाऊंगा ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग आप लोग को कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो होटी पढ़ा रहा हूं ना इसका कम से कम 5 गुना अच्छा तो ब्रीडिंग जरूर पढ़ेंगे अपन। 3 साल में ब्रीडिंग से ही तैयारी किया हूं जेआरएफ, फिर होटी में गया। तो डी नेबलिंग आपने समझ लिया, डी का मतलब हटाना, किसको हटाना, नर भाग को हटाना। मनीषा सो रही हो ना, आगे ही आगे ऐसे सोते रहो, ड्राइवर जब कोई गाड़ी चलाता है ना वहां 3 आदमी देखो ऐसे अगर सोते रहे, हाँ हाँ, तो ड्राइवर कान पे मारेगा, हाँ मार दे नारो भैया, इधर देख मनीषा क्या बोलो, मार क्या हूं, तो तू क्या कंडक्टर है रे, मैं ड्राइवर हूं तो तू कंडक्टर है, हैं? वो खलासी होते हैं ना, खलासी सूरज बोल, सूरज बोल आ गया, भट्टे पे आ गया, ठीक है, चले अब चलो इसको खत्म करते हैं पन्ना। तो ये क्या है बताऊं, फीमेल पार्ट को, इसको आराम से, डीनेबलिंग का मतलब आपने क्या समझा, नर पार्ट को क्या करना है, हटाना है। किसकी अवस्था को खत्म होने पे, तो फीमेल, फीमेल अवस्था, फीमेल स्टेज क्या हो जाए, एंड हो जाए, उसके समाप्त होने पे नर को क्या करता है, हटाना, यानी रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। मेल पार्ट को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। अगला है डी सकरिंग, तो ये तो फर्स्ट ऑपरेशन आप करोगे, दूसरा कौन है, डी सकरिंग। डी का मतलब क्या होता है, हटाना, किसको हटाना, सकर्स को। ये सकर्स कहां बनेंगे गुरुजी, तो सकर्स देखो यहां 1-2 सकर्स दिख रहे हैं, हालांकि इमेज आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, पर अच्छा इमेज इसमें नहीं आया, यहां आया, ये देखो ये सकर्स है, ऐसा तो देखा होगा ना गांव में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सकर्स। ये थोड़ा सा इमेज यहां गड़बड़ उल्टा आ गया, कोई नहीं समझा लेता हूं। तो सकर्स का मतलब बहुत सारे सकर्स आ जाए। आपको पता होगा कि ये जो पार्ट है ये केला का, इसके ये जस्ट नीचे वाले भाग क्या कहलाएगा, राइजोम, क्या कहलाएगा, और राइजोम से ही विकसित, एग्जाम में पूछा जाए तो विकसित क्या होते हैं, सकर्स। क्या विकसित होगा, सकर्स। और ये सकर्स और ज्यादा आप छोड़ दोगे, जैसे 30 दिन 35 दिन 45 दिन का हो जाएगा, अभी ये कितने दिन का है बताओ, अभी ये 15-20 दिन का है। अब इस पेड़ को अगर लगा दोगे, अभी ये क्या है, सकर्स, अब इसको जाके दूसरे खेत में लगाओगे तो ये बच्चा है, इस बच्चे को बोल रहे हो कि नया प्लांट बनाओ, नया प्लांट, तो बोला है पागल अभी तो मेरे में ताकत ही नहीं आया, ताकत आएगा तब, तो बोला है थोड़ा सा और बड़ा होने दे, बोला कितना दिन बड़ा हो जाओगे, तो बोला 40 दिन का होने दे, 40 से 45 दिन का हो जाऊंगा तो मैं नया प्लांट बना लूंगा। तो ओरिजिनल जो सकर्स होते हैं उसकी डे कितनी होनी चाहिए, 40 डे, कम से कम 1 महीना तो उसको रहने दो, 1 महीना, 35 दिन ठीक है, 40 दिन ठीक है। तो ये अप्रोक्स होते हैं किसकी आयु बता रहा हूं, शॉर्ट सकर्स की, किसकी आयु, शॉर्ट सकर्स। और तब तक इसकी वजन जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, 500 से लेकर कहां तक हो जाएगा, 750। इसीलिए ज्यादातर कॉमर्शियल मेथड कौन उपयोग करते हैं, शॉर्ट सकर। अच्छा, अब बहुत सारे सकर्स आ जाए, 1-2 ऐसे ऐसे खूब सारे 8-9 सकर्स आ जाए, इन सकर्स को हटाना है क्या कहलाएगा, डी सकरे। क्यों हटाते हैं इस सकर्स को, ताकि हेल्दी शॉर्ट सकर बन जाए। अब एक ही घर में 9 लोग है कि हम भी पेड़ बनाऊंगा, हम भी बनाऊंगा, तो सारे मरे मरे हो जाएंगे। एक घर में 50 बच्चा हो तो सबको पोषक तत्व मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो 5-7 को हटा दो। औरंगजेब ने यही काम किया, 100 भाई था, बोला 99 को हटा दे, मैं अकेला राज करूंगा। तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स, खाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है भाई, पोषक तत्व की ही लड़ाई है पूरी जगह। चलो ये हो गया, आपको डी सकरिंग समझ लिए हो। अब अगला है मेटाकिंग, कौन सा भाग है बताओ, सबसे पहला क्या पढ़े, डीनेबलिंग। डीनेबलिंग क्या होता है, नर भाग को हटाना। डिसकरिंग क्या होता है, सकर्स को हटाना। तो सकर्स को हटा दिया, अगला हम बात करेंगे जिसका नाम है मेटाकिंग। मेटाकिंग एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये जो सूडो स्टेम है, आभासी तना है, आपने केला तो ले लिया,
और केला लेने के बाद इसको कट कर दो, कितने सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई से आप क्या कर दो, काट दो। अब इसको काट दिया, पूरी तरह से काट दोगे तो कंडीशन कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएंगे कंडीशन। लो भाई ऐसा बन गया। अब पोषक तत्व, तो ये पढ़ाया हूं इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में, ऊपर नहीं जाएगा नीचे आ जाएंगे, नीचे आएगा तो यहां से क्या बनने लगेगा, सकर्स। ये क्या बनने लगेंगे, सकर्स। और ये सकर्स अगले साल किसके लिए काम आ जाएगा बताओ, प्रोपगेशन के लिए। किसके लिए काम आएगा, प्रोपगेशन। तो ये काट देंगे तो अब सकर्स। इसी कारण किसानों को बहुत ज्यादा समस्या होती थी कि भाई इस पेड़ को हर साल काटना है, फिर यहां से हटाओ, फिर वहां पे नया सकर्स डालो, तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाते थे। अब वैज्ञानिक ने सोचा रतून क्रॉप लाने, कौन सा लाने, रतून। और रतून से क्या होगा, एक साल लगा देंगे, तीन साल केला आते रहेंगे। तो वो किसके द्वारा संभव हो सकता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा। किसके द्वारा, टिश्यू। तो इसीलिए उसको कहा जाता है मॉडर्न टेक्निक, किसको कहते हैं, टिश्यू कल्चर। तो मेटोकिंग क्या होता है, जमीन से 40 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पे क्या कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स कहां आएगा, नीचे, और उससे ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे, सकर्स। और इस सकर्स का उपयोग हम क्या कर लेंगे, प्रोपोगेशन, प्रवर्धन में। ठीक है, तो तीन पढ़ लिया तो ये कटा हुआ दिख गया। प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना। ये तो छोटा बंच है, इससे भी बड़ा बंच होते हैं, उसको पास उस लगा करके कि केला को लेते हुए श्री राम की जय, नीचे गिर ना जाए, तो उसको क्या देना है, सहारा देना है, जय श्री राम। जो जो बड़े बड़े चीज होते हैं ना, उसको सहारा दो, नहीं तो वो गिर जाएंगे, ध्यान रखना। तो बड़े केला को आपको क्या देना है, सहारा। चले आगे, प्रवर्धन करवा दिया हूं, शॉर्ट सकर्स। वजन कितना, 500 से 750। ज्यामिति की बात करें, इसकी ज्यामिति कितना रखेंगे, तो एक्चुअल जो ज्यामिति रखते हैं ना, अब बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ICR बोला कि नहीं भाई, 3x3 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे, 2x2 मीटर स्क्वायर रखेंगे। जबकि राजस्थान वाले अभी भी कितना मान रहे हैं, 3x3। आपके बुक में कितना दिया हुआ है, 3x3, लेकिन अब हम कितना मानेंगे, 2x2। वर्तमान में हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करें तो उसमें दूरी कितना रखते हैं, 1.25x1.25। जानते हो हाई डेंसिटी जो प्लांटिंग होती है उसमें ये केला बना दिया, सॉरी गोल गोल बन गया, ये केला बना दो, ये केला, बहुत सारे केला ना आपस में ऐसे टच हो जाएंगे, टच होंगे, तो क्या टच हो रहा है, केला के ये वाले भाग क्या कहलाएगा, फिंगर, क्या कहलाएगा। तो सघन जब बुआई करोगे तो सारे फिंगर आपस में क्या होते रहेंगे, टच। इधर का भी केला का ये वाले भाग क्या हो जाएंगे, टच, तो ये काला हो जाएगा, इसका आगे का भाग क्या हो जाएगा, काला। इसको बोलते हैं फिंगर टिप, यानी कौन सा भाग काला हो रहा है, टिप। किसका काला हो रहा है, फिंगर का। किसमें काला हो रहे हैं, सघन बुआई में। यानी कि जब हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं तो एक बीमारी होता है, उसका नाम क्या है, फिंगर टिप। कौन सा बीमारी है बताओ, फिंगर टिप। तो फिंगर टिप पूछेगा किसमें होते हैं, तो फिंगर टिप होते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। और कौन सा क्रॉप में होता है बताओ, तो ये होते हैं केला में। चलो अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट किस्म, किसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट किस्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आज करूं किस्म, करें दो, चलो कर देता हूं। फर्स्ट नाम है इसका, जिसे कहते हैं ड्वार्फ कैवेंडिश। क्या नाम है बताओ, ड्वार्फ कैवेंडिश। ड्वार्फ कैवेंडिश जो है, इसी का दूसरा नाम ये पूछ लेगा, वस राई। ये ऐसे लिख लेना, ड्वार्फ कैवेंडिश का ही नाम क्या है, वस राई। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वसराई जो है, ये अधिक उत्पादन देते हैं, यानी वसराई हाई प्रोडक्शन वाले वैरायटी है। तो ये आप फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, ड्वार्फ कैवेंडिश। इसका ना जीनोम, जीनोटाइप, ये सब छोड़ देना, तेरे काम की नहीं। नेंद्रल, चिप्स बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चिप्स मेकिंग। कौन है बताओ, नेंद्रन। ये रोबस्टा अलग है, रोबस्ट्रा ये अलग वेराइटी है। हिल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा वेराइटी पे आप कंफ्यूज मत होना, कम ही याद रखना। जेली बनाने के लिए, जेली फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट वेराइटी कौन है, हिल बनाना, हिल, HILL, हिल बनाना, बार बार पूछेगा। विंटर बनाना किसकी वेराइटी, विंटर बनाना यही लिखना, विंटर बनाना, ये सेब की वेराइटी है, एप्पल की।
एप्पल की कौन सी वैरायटी बता? विंटर बनाना इंपॉर्टेंट, मोन्थन, MONTHAN, मोन्थन, ये इंपॉर्टेंट। अमृत सागर, अमृत सागर, ठीक है। केवल निंद्रण इंपॉर्टेंट, हिल बनाना इंपॉर्टेंट, जो जो आते हैं। वसराई इंपॉर्टेंट है, ड्वार्फ कैवेंडिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इंडिया में बहुत ज्यादा एरिया में लगाए जाते हैं। लेडी फिंगर, स्टार लगा दो, लेडी फिंगर कैसी वैरायटी है? डिप्लॉयड वैरायटी है, 2N=2X=22, डिप्लॉयड वैरायटी है। राजापुरी कोल्ड रेसिस्टेंट यानी ठंड के प्रति प्रतिरोध वैरायटी। क्लूटेपार्ड ये क्या है? नेचुरल हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी। इसका ज्यादा वैरायटी आप ध्यान मत रखना, राजापुरी इन्हें तो ऐसे तो किस्में बहुत सारे हैं। गोल्ड फिंगर ये भी पूछ लेते हैं, चंपा है, हरिहाल है। पूवन की बात करें तो पूवन एक ध्यान में रख लेना, पूवन पनामा बेल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी, पनामा बेल्ट रेसिस्टेंट। अब देखो हमारे तरफ से आप क्या याद रखोगे, पांच वैरायटी कर लेना, ज्यादा नहीं। कौन कौन? एक तो प से पूवन, पूवन और प से पनामा, ठीक है। एक तो ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें एक गोल्ड फिंगर याद रखना, कौन है बताओ? गोल्ड फिंगर। एक तो ये पॉइंट, तो हाइब्रिड वैरायटी में गोल्ड फिंगर याद हो गया। अब इधर आ जाए तो चिप्स बनाने वाले, एक लेडी फिंगर, तो तीन वैरायटी, लेडी फिंगर, गोल्ड फिंगर और उसके बाद एक और मैंने याद करवाया था पूवन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लेडी फिंगर, राजापुरी ये रहने देना। नेंद्रन चौथे वैरायटी जो है, नेंद्रन हिल बनाना पांच, पांच और एक वसराई, छह वैरायटी आप स्टार लगाना। ज्यादा तो ऐसे तो वैरायटी 50-50 वैरायटी है, कितना याद रखोगे, वो हमें उतना नहीं करना है। चले नेक्स्ट पॉइंट, ये हरी छाल होगा, हरी हाल नहीं होगा, हरा होता है ना छाल, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको चेंज करना। हरी छाल, ऊपर का जो स्किन होते हैं हरी होती है ना, हरी छाल। चले उपज की बात करें, 30 से 50 टन प्रति हेक्टेयर, 30-50 टन प्रति हेक्टेयर। अब मैं फटाफट करूं जो मैं आपको बता चुका हूं। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आपको करवा चुका हूं, केला में स्टोरेज की बात करें तो ये आपका भंडारण 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट प्रश्न पूछे तो 13 डिग्री सेल्सियस। और कभी भी भंडारण करते हैं जिसको आप बोलते हो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें जिसको आप RH बोलते हैं, तो फलों में भंडारण के लिए RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? 85 से 90, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 85 से 90 कितना है? 85 से 90 RH पूछेगा। फलों के भंडारण के लिए RH का मान कितना होना चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होते हैं? वातावरण एक तो माना गया, मान लो सूखी वातावरण तो उसको हम सापेक्ष मान ले। अरे भाई किसी को मेजर करते हो तो किसी न किसी के सापेक्ष करते हो, भाई उसके सापेक्ष वो अच्छा है पढ़ने में, उसके सापेक्ष वो कमजोर है पढ़ने में, तो ऐसा ही रिलेटिव होते हैं कि उसकी सापेक्ष कितनी नमी की मात्रा है। जैसे बारिश में क्या होते हैं, नमी की मात्रा ज्यादा होते हैं, तो किसी भी फलों को भंडारण इसीलिए रेफ्रिजरेटर में करते हैं। रेफ्रिजरेटर में नमी क्या है? ज्यादा। नमी क्या है? ज्यादा। तो वातावरण में नमी ज्यादा होंगे तो वो फल ज्यादा देर तक सुरक्षित रहेंगे या सड़ेंगे कम। अब हम बात करें केला, केला की चर्चा आपको पहले ही कर चुका हूं, कर दिया हूं ना, लेकिन एक रिवीजन करेंगे। केला की चर्चा कहां किया हूं? अलग से आपको डिजीज पढ़ा चुका हूं, फ्रूट डिजीज डिसऑर्डर, लेकिन यहां पे एक जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। केला में सबसे पहले आपने देखा था पनामा बेल्ट, पनामा बेल्ट किससे होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से। और ये कैसा है? सॉइल बॉर्न डिजीज है।
और एसिडिक सॉइल में ज्यादा होते हैं। रेसिस्टेंट वेराइटी कौन है? पूवन। और इम्यून कौन है? बसराई। अभी आपने नाम सुना। और इसका नियंत्रण के लिए हम डाले थे क्या? लाइम, चूना। चूना का उपयोग और कहां करते हैं? तो एसिड लाइम में। कहां करते हैं? एसिड लाइम में, यानी नींबू वर्गीय में ग्रेनुलेशन हो जाता है, वहां पे भी हम किसका उपयोग करते हैं? चूना का। तो चूना का उपयोग एक जगह और करते हैं, बताना कहां पे करते हैं? अम्लीय मृदा का सुधारक में। कहां उपयोग करते हैं? अम्लीय मृदा सुधारक में। तो लाइम का उपयोग करते हैं। देखो एक प्रश्न और अभी मैं पढ़ रहा था, इंपोर्टेंट। हमने आपको एक दिन प्रश्न बताया था कि लाइम जो होते हैं, कागजी नींबू होता है, वो इंडिकेटर है किसका? कौन सा बीमारी का? कैंसर का। पढ़ाया था ना। अब कैंसर ऑप्शन ही नहीं था। कैंसर ऑप्शन एआरओ का एग्जाम, कल की बात बता रहा हूं, कल या परसों हुए थे ना एग्जाम, उसमें कैंसर ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन था टिस्टेजा था, एक्सो स्टोरस था, एक्सो कॉटिस था, उसके बाद गमोसिस था, एक और नाम कोई था। तो क्या आता है? टिस्टेजा। कौन सा जाता है? टिस्टेजा वायरस। टिस्टेजा को हम बोलते हैं सिट्रस डिक्लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये भी वायरस बहुत घातक है। चलो इसको करवा दूंगा। तो ये हो गया कवक। अगला जो है पनामा बिल्ट। पनामा बिल्ट किसके कारण, किसके द्वारा होता है बताओ? तो ये होते हैं कवक के द्वारा गुरुजी। और कवक का नाम क्या था? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। कौन से मिट्टी में ज्यादा होगा? एसिडिक सॉइल में ज्यादा होगा, जिसका उपचार के लिए हम क्या करेंगे? चूना। एक ऐसे ही रिविजन में अगर टीचर पढ़ देता है ना, तो लगता है नहीं भाई करवाया है। और इसका उपचार हम क्या करेंगे? चूना। और इसका रेसिस्टेंट वेराइटी पसे पनामा, पसे पूवन। चलो ठीक है। अगला जो हमने बताया था विषाणु। विषाणु का नाम क्या है? सॉरी, बंची टॉप। बंची टॉप उत्तरी भारत की सबसे घातक बीमारी है। और ये होता है किससे? वायरस से। और वायरस को ले जाने वाला कौन है? एफिड। एफिड का नाम क्या है? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। ये जो बीमारी है सबसे पहले केरला में देखा गया था। केरला में एक जगह है जिसका नाम है फिजी। क्या नाम है? फिजी। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ये बीमारी कहां ऑब्जर्व किया गया था? फिजी। फिजी कहां है बताओ? केरला में। जैसे राजस्थान में एक जगह का नाम है उदयपुर, राजस्थान में एक जगह का नाम है बीकानेर, राजस्थान में एक जगह का नाम है भरतपुर, राजस्थान में एक जगह का नाम है हाईटेक क्लासेस सेवा आश्रम डोरेनगर। तो ये राजस्थान में एक जगह का नाम है, वैसा ही केरल बहुत बड़ा है। तो केरल में ये सब छोटा करो नरेंद्र भैया, क्यों ये बड़े में क्या दिक्कत है? दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बाहक हो गया पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। सबसे पहले इसे केरला में देखा गया। खतरनाक बीमारी है किसका? नॉर्थ इंडिया को। और आपको रोकना पड़ेगा किसको? कीटों को। किसको रोकना पड़ेगा? कीटों को। कीटों को रोकने के लिए आपको कीटनाशी डालना पड़ेगा। अगला है ब्रेक्स मोजाइक। ब्रेक्स मोजाइक की बात करें तो विषाणु के द्वारा होता है। और इसका वाहक कौन है बताओ? एफिड। अगला ये ब्रेक्स मोजाइक का इमेज आप देख रहे होंगे, ये ब्रेक्स मोजाइक है। कोकन की बात करें तो ये भी किससे होता है? वायरस से। और इसको ले जाने वाला कौन है? एफिड। मोको की बात करें तो ऐसा ऐसा केला सड़ जाता है, ये जीवाणु से होते हैं। जीवाणु का नाम क्या है? सुडोमोनास सोलनी सेरम। तो ये होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। सिगाटोका लीक फॉस्फोर्स की बात करें तो ये भी किससे होता है? कवक से। और इसका क्लोन लिखा हुआ है ABBA जो होते हैं, रेसिस्टेंट क्लोन है। और ससेप्टेबल जो है AAA। हालांकि अब प्लांट ब्रीडिंग की बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग जब पढ़ाऊंगा ना तो ये सब बड़ा अच्छा समझ में आएंगे। क्लोन क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या होता है, अभी आपके लिए भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, तो रहने देना। ये है सिगाटोका लीफ स्पॉट्स। क्या है ये? सिगाटोका लीफ स्पॉट्स। आपको केवल ये पूछेगा, बीमारी में बहुत अच्छा कराया हूं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो दो तीन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक्चुअल में बंच ऐसे का होते हैं, ये तमिलनाडु का बंच है जिसको एक दो लोग ऐसे उठा के ले जाते हैं, तो ये है वहां का बंच। इस एक बंच का वजन ना लगभग 35 से 50 केजी के बीच भी होते हैं। तो सोचो एक एक केला में, अगर एक केला में दो बंच लग जाए, मैं एक केला हूं और एक बंच इधर 50 केजी का, इधर 50 केजी का, तो बैलेंस रहूंगा। लेकिन एक तरफ अगर 50 केजी इधर, इधर कुछ नहीं, तो केला ही ऐसे उलट जाएंगे। इसी के लिए हम करते हैं प्रोपिंग। क्या करते हैं? प्रोपिंग। तो ध्यान रखना, तो वैज्ञानिकों को ना ये बड़ा दिक्कत था। इवन गांव में ना ये बंबू को भी नहीं छोड़ता है, ये बांस को ही है। तीन आदमी ऐसे लगे रहेगा, अच्छा कोई नहीं हो रहे, क्यों कोई नहीं हो, तो ये बांस को ले जाएगा। बांस को ले जाएगा तो ये केला बोलेगा अब तो मैं चला भाई, तो इधर झुकता चला जाएगा। तो ये धीरे धीरे बांस को भी नहीं छोड़ते हैं भाई। अब तीन चार बीमारी मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं जो हो सकता है। जैसे येलो पल्प, गुदा ही कैसा हो जाए? पीला हो जाए। तो बहुत ज्यादा पीला भी हो जाना वो हमारे लिए कोई काम का नहीं। अरे केला का गुदा कैसा होनी चाहिए? सफेद। जब ऐसे केला को निकालो तो सफेद सफेद दिखे, पीला दिखे, तो वो ये क्या है? विकार है। पीला गुदा, क्या लिख दूं इसको? पीला गुदा, ये नया आपको बता रहा हूं, पीली गुदा।
दूसरा है गूज फ्लेश, फ्लेश का मतलब भी क्या होता है, गुदा, बोतल ले। तो ये गूज फ्लेश एक याद रखना, किससे, इसका इमेज अभी नहीं डाला, कल डलवा देता हूं। व्हाइट लिप, पत्ती सफेद हो जाना, सफेद पत्ती, तो यह भी एक डिसऑर्डर है, सफेद पत्ती। ये ब्लू डिजीज, तो ये भी केला से संबंधित है, कौन सा डिजीज है, ब्लू डिजीज। नीर बजाई आपको बता दिया हूं, नीर का मतलब क्या होता है बताओ, पानी पानी, नीर का मतलब पानी पानी। और नीर का मतलब आपको बताया था कौन इसमें ससेप्टेबल है, संवेदनशील, कौन सा वेराइटी है जिसमें सबसे ज्यादा ये लगता है संवेदनशील का, न से नीर, न से निंद्रन, प से पूवन, प से पनाना, प से पूवन, प से पनामा, न से नीर, न से निंद्रन। निंद्रन एक ऐसी वेराइटी है जिसका चिप्स बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है बता, चिप्स। तो जनरल हॉर्टिकल्चर आप जोरदार पढ़ना, जनरल पढ़ोगे तो क्रॉप में देख रहे हो कुछ भी नहीं है, बस उसी चीज को मैं लंबा कर रहा हूं केवल, कि आपको लगे यार केला में कुछ पढ़ाए हैं सर ने, तो कुछ नहीं, नया क्या देखा आज, कुछ देखा ही नहीं, एक ही देखा वो उसके पत्ते में खाते हैं, नया वही है और क्या है, सब जनरल में पढ़ा चुका हूं। कोटा का मतलब क्या होता है बताओ, कोटा का मतलब होता है सीड, ऐसा केला जिसमें क्या दिखे, बीज बीज दिखे, इसको कोटा। और ये भी कौन है, पूवन, इसका क्या है, ससेप्टेबल, सीड बनाना के नाम से जानते हैं। इम्प्रॉपर बंच फिलिंग की बात करें तो असमान, ऐसे बंच बन जाए, ऐसे बंच बनेंगे तो उत्पादन क्या होगा, कम। और ये किसकी कमी के कारण होगा बताओ, पोटाश के कमी के कारण क्या होगा, इम्प्रॉपर बंच फिलिंग। अब हम बात करेंगे कुछ पेस्ट के बारे में, पेस्ट का वीडियो मैं अलग आपको बता दूंगा, जैसे फ्रूट डिजीज का बनाया, फ्रूट डिसऑर्डर बनाया, वैसा ही फ्रूट पेस्ट भी आपको बना दूंगा। अभी आप केवल तीन चार पेस्ट का नाम सुन लो, जैसे स्टेम बोरर, आम में हमने चार पेस्ट बताया था, एक तो मिली बग, दूसरा हॉपर, तीसरा फ्रूट फ्लाई, चौथा विविल, चारों के चार क्वेश्चन आते हैं फिक्स है। अगर क्वारंटीन के लिए पूछा जाए कि किसका रोकथाम करते हैं तो विविल का करते हैं। फलों के गुदा में एक अलग तरह की खुशबू आएगी, जैसे आम सड़ जाएगा एकदम, तो इसको सूंघोगे तो आप बताओ कौन सा उसमें कीट होगा जो इन्फेक्ट किया होगा, जिससे गुदा सड़े सड़े लगेंगे। अभी मैंने बोला उसका नाम ही है फल मक्खी, ऐसी मक्खी जो कहां रहना पसंद करती है, फलों के गुदे के बीच। अगर जैसे होता है ना, कुछ लोग पसंद करते हैं कि हिली स्टेशन में जाके रहना, कुछ लोग पसंद करते हैं जैसलमेर में जाके अपने आप को आनंदित करना, कुछ लोग हिमाचल प्रदेश जाते हैं, कुछ लोग होते हैं गुदा के अंदर रह के अपना प्रजनन पसंद करते हैं, वो कौन है, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई बोलता है यार सबसे अच्छा आनंद आता है खेलने में, कब, गुदा में, कहां, गुदा में। तो फल के गुदा के बीच कौन इंजॉय करता है, फ्रूट फ्लाई। तो जहां इंजॉय करेगा वही अंडा देगा, तो अंडा भी कहां देगा बताओ, गुदा के अंदर। और गुदा के अंदर जब अंडा देगा तो सारे गुदा सड़ जाएंगे, तो उससे अलग तरह की बदबू आते हैं। चलो ठीक, अगला स्टेम बोरर, नाम से ही पता है, बोरर का मतलब छेद देना, किसको छेदोगे, तना को छेदना, क्या पढ़ाऊं इसको, तो तना छेदक कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं। तो भगवान ने इसको छेदने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए कि बेटा तू जा रहा है, तेरा काम छेदने का होगा, तो छेदने के लिए अगर तुझे प्लेन बना दूंगा तो छेदोगे तो नाक टूट जाएंगे, तो छेदने वाला नाक दिए इसको अलग अलग से, ये अलग से कीटों में पढ़ना है। चले नेक्स्ट, नेचर ऑफ डैमेज, ये सब रहने देना, ये सब अलग करेंगे, इसको यहां पे नहीं पढ़ना है। कंट्रोल किसके द्वारा करेंगे ये छोड़ देना। बनाना एफिड, केवल नाम सुन लो आप, इसका हम कहां करेंगे, फ्रूट के पेस्ट में। पहला नाम आपने क्या बताया, पीछे वाले शुरू करते जाएंगे, पहला कौन है कीट बताओ, स्टेम बोरर, केवल नाम लिख लेना आप लोग, तना छेदक, कौन है, तना छेदक, केवल यहां नाम। दूसरा कौन है, बनाना एफिड, एफिड जो होगा जानते हो इसका नाम क्या, अभी मैंने बताया पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, जो क्या करेगा, बंची टॉप ऑफ बनाना। अगर यही बंची टॉप पपीता में पूछा जाए, पपीता में बंची टॉप किसके कारण होता है, तो पपीता में बंची टॉप होता है एमएलओ के कारण, किसके कारण होगा, माइकोप्लाज्मा के कारण, क्या होगा, बंची टॉप। ये नेचर ऑफ डैमेज आप छोड़ देना, रोजेट लाइक अपीयरेंस होता है देखो बंची टॉप डिजीज, ये अच्छे से करा दूंगा टेस्ट में, यहां छोड़ दो अभी, और इसमें थोड़ा सा स्लाइड में काम है। ये एक इंपॉर्टेंट निमेटोड आपसे पूछ लेगा, बरोइंग निमेटोड किससे संबंधित है, इसका सारे नाम याद रखना आप। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल अगर इफेक्ट कर रहा है आज केला में, तो ये निमेटोड कर रहा है। गोल्डन निमेटोड किससे संबंधित है बताओ, गोल्डन निमेटोड आलू से संबंधित है। मिलेडोगाइनी किससे संबंधित है, तो जड़ गांठ सूत्रकृमि, ये किससे, भिंडी से संबंधित है, टमाटर से संबंधित है, और किससे है, बैंगन से संबंधित है मिलेडोगाइनी। अब एक और निमेटोड आपके मस्तिष्क में रखना है, बोरोइंग,
बोरोइंग का मतलब भी देखो, इस तरह के पूरी पपीता तहस नहस कर देगा। इंडिया में आज ये बहुत बड़ी समस्या बन के आ रहे हैं। कौन है? बरोइंग निमेटोड। कहां होते हैं? मिट्टी में होते हैं, और पूरी पेड़ को देखो इस तरह से सुखा रहे हैं। तो इसीलिए अलग से ब्रांच बनाया गया है, जानते हो, निमेटोलॉजी। क्या बनाया गया है? निमेटोलॉजी। आज भारत की एक प्रमुख समस्या उभर के आ रहे हैं निमेटोड्स। कौन आ रहे हैं? निमेटोड्स। तो बरोइंग निमेटोड्स एक ध्यान में रखना। नेचर ऑफ डैमेज इसका बाद में करेंगे, नेचर ऑफ डैमेज कंट्रोल। सर में कार्बोफ्यूरॉन के द्वारा क्या करते हैं? कंट्रोल। और एक दो बीमारी और हमने लाया है, एक तो राइजोम, जो राइजोम होते हैं ना उसका नाम है कॉर्न बीबिल। तो इसका ये है मेजर पेस्ट है। कौन किस नाम से जानते हैं? राइजोम बेबल के नाम से। यानी ये किस पे अटैक करेगा? राइजोम पे। किस पे करेगा? राइजोम पे। सूडो स्टेम बेबल भी लिखा हुआ है, और ये बनाना बोरोइंग तो ये लिखा हुआ है, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव निमेटोड्स है। इसमें तो तीन निमेटोड, इसको अभी मैं अच्छा कर दूंगा। सूडो स्टेम बताओ, तीनों याद रखोगे तो सूडो स्टेम आभासी तना पे लगेगा, राइजोम पे लगने वाला राइजोम बीबिल, सूडो स्टेम पे लगने वाला सूडो स्टेम बीबिल, और एक क्या याद रखोगे? स्टेम बोरर। कौन है? स्टेम बोरर सबसे पहले मैंने बताया, और निमेटोड कौन है? बरोइंग निमेटोड। कौन सा निमेटोड है? बरोइंग। फिर से बताओ, सूडो स्टेम आभासी तना पे लगने वाला सूडो स्टेम, हालांकि उसी को हम कहते हैं सूट बोरर। क्या बोलते हैं? सूट बोरर। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेजर पेस्ट कौन है बताओ? राइजोम बीबिल। अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? राइजोम बीबिल। इसको आप खुद से लिख सकते हो, राइजोम बीबिल। ये और मैं करा दूंगा। तो ये हो गए आपके कंप्लीट केला की सेवाएं समाप्त। दो बार में बनायो नरेंद्र भैया कि एक ही बार में कर दियो? दो बार में करना चाहिए। ये तो YouTube पे है, चलने दो। तो लगभग डेढ़ घंटा, और डेढ़ घंटा इसी क्लास को अगर मैं लिखा के पढ़ाता, तीन घंटा, तीन क्लास में आते हैं ना। तो एक एक दिन में एक एक प्रॉप करेंगे, और पूरी डिटेल भी होनी चाहिए। चलो इस PDF को आप भेज दें, मिलेंगे कल आपके साथ। कल की क्लास जो होंगे हमारे पपीता का, किसका होगा? पपीता। जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके बुक में नहीं है उसको आप नोट जरूर आज ही करते जाना, और मेरे हिसाब से तो आप पूरा लिखो तो बेहतर। क्या करूं? यस सर, फ्री कोर्स एंड बुक। क्या फ्री कोर्स? नाइस क्लास। इंग्लिश टू इंग्लिश बोलो सर, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलो। हमारे हिंदी बच्चे कहां जाए रे पागल है? एक दो लड़का इंग्लिश टू इंग्लिश समझने वाले, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होते हैं। चलें, अगर वीडियो बढ़िया लगे